हाय गाइज, मैं शॉन, तुम आप देख रहे टेक्निकल शॉन, और इस वीडियो में आपको टॉप 3 MIUI 12 थीम सजेस्ट करूंगा सभी Xiaomi डिवाइस के लिए। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप MIUI 12 के लिए न्यू थीम सर्च कर रहे हैं तो इस थीम में आपको देखने को मिल जाएगा गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में आपको काफी न्यू टाइप का मिनिमल आइकन पैक देखने को मिल जाएगा थोड़ा, जिसमें कि आपको नियॉन शेड देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखिएगा टूल का फोल्डर में तो उसमें भी आपको सेम टू सेम आइकन पैक देखने को मिलने वाला है। और अगर आप जाइएगा बाकी जैसे कि इसका कंट्रोल सेंटर में तो उसमें आपको फोल्डर टाइप का जो टॉगल्स वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको जितने भी टॉगल्स है कलरफुल जब आप इनेबल कीजिए तो आपको अलग अलग कलर देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप जाइएगा ऐसा सेटिंग में, तो सेटिंग में भी आपको पूरा UI जो है ये आपका चेंज हो जाएगा, और जो सेपरेशन वो आपको न्यू टाइप का देखने को मिलेगा, टॉगल्स आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाइएगा इसका अबाउट फोन में तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा, जो कि MIUI 12 का लोगो है वो आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। ऑल स्पेक्स में आपको थोड़ा बहुत जो चेंजेस है ट्वीक वो आपको देखने को मिल जाएगा। पर्सनली मेरे को ये थीम काफ़ी क्लीन, काफ़ी अच्छा लगा देखने में। तो अगर आपको ऐसा कुछ थीम चाहिए तो ये आप थीम ट्राई कर सकते हैं, जो कि अभी नया है। और पर्सनली इसमें आपको मतलब कि जो लुक है वो आपको काफ़ी फ्रेश दे रहा, तो आपको इसको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। और अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे वीडियोस के लिए। तो अगर आप चाहिएगा डायलर मैसेजिंग तो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन में बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको मतलब सेकंड तक का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। और अगर आप मतलब कि लेफ्ट स्वाइप कीजिए तो लेफ्ट में आपको ऐसा कुछ कंट्रोल सेंटर टाइप देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको मतलब कुछ टॉगल्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉगल्स को आपको देखने को मिल जाएगा, वेदर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और नीचे आपको बस थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप देखिए इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप चाहिए सेटिंग में टैप कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि चार्जिंग का हो गया तो आप इसमें चार्जिंग एनिमेशन 5 है आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से पूरा। उसमें वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और वही आपका कंट्रोल सेंटर जो है वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा देखिए, जैसे नेविगेशन 1 स्क्रीन स्टाइल तो आप चेंज कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन स्टाइल काफ़ी आपको 3 तरह का देखने को मिल जा रहा, जो कि जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं डायरेक्टली, और बस आपको सिलेक्ट कर देना तो आपको कस्टमाइज हो जाएगा। और आप काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं ये 1 स्क्रीन स्टाइल, जो कि पर्सनली मेरे को ये पसंद आया। और अगर आपको सिंपली ये डाउनलोड करना है तो आपको सर्च करना होगा रेनी मोड V12, जैसे आप सर्च कीजिएगा रेनी मोड V12 तो आपको ये थीम मिल जाएगा। और अगर आपको अभी भी नहीं मिल रहा तो मेरे मतलब कि आपको आना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बट आपको सर्च करके इजी होगा डाउनलोड करने में, जो कि आपको रेनी मॉड V12 सर्च करना होगा। और अगर आप देखें इसका सेकंड थीम, तो सेकंड थीम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपको न्यू टाइप का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, न्यू टाइप का आइकन पैक देखने को मिल जाता है, चूंकि MIUI 12 का ही आइकन पैक है, बट इसमें आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके सर्कल कर दिया गया है या राउंडेड आपको आइकन पैक देखने को मिल जाता है। कलरफुल कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जो कि आप हर एक टॉगल्स में नया नया कलर आप देख सकते हैं इसमें। तो अगर आपको ऐसा कुछ अनेबल करना तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। पर्सनली मेरे को इसका कंट्रोल सेंटर और इसका आइकन और जो मतलब ओवरऑल UI अगर आप देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक आपको दे सकता है। और अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको राउंडेड जो बैटरी का ये है इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर वो आपको राउंड देखने को या सर्कल में देखने को मिल जाता है। और अगर आप जाइएगा तो इसमें आपको 1 UI जैसा पूरा जितने भी टॉगल्स सेटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, क्योंकि मतलब पता ही आपको दिवाली चल रहा है, तो हैप्पी दिवाली बिलेटेड वाला, क्योंकि हम कल मेरे से मतलब भूल गए थे कि हैप्पी दिवाली विश करना है, बट आज मैं कर दे रहा हूँ। और काफ़ी मतलब जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा गलती हो सकता है, या शायद आवाज़ में थोड़ा दिक्कत होगा। तो अगर आप जाइएगा इसका डायलर में तो डायलर भी चेंज हो जाता है, और पर्सनली इसका डायलर भी काफ़ी क्लीन है। मैसेजेस ऐप जो भी मैसेजेस ऐप वो भी आपका चेंजेस हो जाता है थोड़ा बहुत। और पर्सनली बोलेंगे तो इसका लॉक स्क्रीन कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, अगर होता तो और इंटरेस्टिंग होता, बट जितना भी है इसका मतलब कि होम स्क्रीन डायलर और मतलब कंट्रोल सेंटर उस काफ़ी उसमें ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल गया। तो अगर आपको पर्सनली ऐसा कुछ चाहिए था तो आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपली ये डाउनलोड करना है तो आपको सर्च करना होगा थंडर V12, जैसे आप सर्च कीजिएगा थंडर V12 तो ये आपको थीम मिल जाएगा। सिंपली जाइए, सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए, और अभी फेस्टिवल सीजन को इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरे मतलब थोड़ा भी अच्छा लगता है तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड मतलब फैमिली के साथ कर दीजिए, और किसी के साथ कीजिए, जल्दी कीजिए।
और अगर आप देखें थर्ड थीम लास्ट थीम तो इसमें आपको गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में आपको न्यू टाइप का मिनिमल आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको स्क्वायर आइकन पैक देखने को मिलेगा आईओएस जैसा। और अगर आप देखिए इसका कंट्रोल सेंटर में तो उसमें आपको सेम टू सेम आईओएस जैसा तो जो टॉगल्स है वो आपको कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाएगा। सेटिंग में अगर आप देखिए तो उसमें आपको सेम टू सेम आईओएस जैसा सेटिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि पर्सनली मेरे को इसका जो सेटिंग है काफ़ी अच्छा से मतलब कि डेवलप किया, डिज़ाइन किया गया। तो अबाउट फोन में भी आपको MIUI 12 का लोगो की जगह आईफोन का लोगो या एप्पल का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। और जितने भी टॉगल्स हैं आपको आईओएस इंस्पायर्ड टॉगल्स सेम टू सेम लुक सेपरेशन और UI के साथ आपको देखने को मिल जाता है। बट शायद इसमें आपका स्वीडिश लैंग्वेज है जो कि शायद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो यही इसमें एक थीम में दिक्कत है क्योंकि ये शायद स्वीडिश थीम है, बट मेरे को अच्छा लगा तो मेरे को लगा आपको सजेस्ट कर देना चाहिए। डायलर में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको डार्क मोड काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है। तो डार्क मोड मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ तो ज़्यादातर तीनों थीम में डार्क मोड सपोर्ट कर जाता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था डार्क मोड के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे थे तो लीजिए, आपके लिए वीडियो आ गया है। और अगर आप देखें इसका लॉकस्क्रीन तो लॉकस्क्रीन में आपको सेम टू सेम आईओएस जैसा विजेट्स देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका स्टेप वाला, वेदर और म्यूजिक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और कैलेंडर का। तो पर्सनली अगर आपको ऐसे कुछ थीम्स चाहिए था क्लीन मिनिमल डार्क थीम्स तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोड करना ये थीम तो आपको मिनी iOS सर्च करना होगा, मिनी iOS V12.1 जैसे आप सर्च कीजिएगा ये तो आपको ये थीम मिल जाएगा। चाहिए डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली फिर से चैनल को सब्सक्राइब मतलब करके जाइए, फिर चैनल सब्सक्राइब करने और बेल आइकन टैप कर सकते हैं। बेल आइकन टैप करने के बाद आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कुछ भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है। और अगर आपको ज़्यादा वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।